नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 11 दिसंबर से शुरू होने वाले भागलपुर महोत्सव को लेकर नागरिक विकास समिति 1995 से लेकर लगातार जन सरोकार के लिए कार्य करती आ रही है। अब ये भागलपुर नागरिक विकास समिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नागरिक विकास समिति एक सामाजिक संस्था है जो 1995 से लेकर अभी तक जन सरोकार के लिए कार्य करती आ रही है और विगत 13 वर्षों से भागलपुर महोत्सव का आयोजन कराते आ रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागरिक विकास समिति के सदस्य और भागलपुर महोत्सव में प्रधान सलाहकार रमन कर्ण जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार खासकर क्या कुछ खास होने वाला है भागलपुर महोत्सव में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? सर्वप्रथम सिल्क टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और यह इस वर्ष हम लोगों का रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष में हम लोगों ने विशेष संस्करण के रूप में भागलपुर महोत्सव को रखा है। इसके लिए भागलपुर की जो अंग पुत्री है वो इस 14वें संस्करण का शुभारंभ करने के लिए मुंबई से आ रही है तोरसा सरकार। पहला दिन उद्घाटन सत्र में माननीय मंत्री जी आदरणीय राम नारायण मंडल जी बिहार सरकार के मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा संपर्क अनुरोध होगा कि वो लोग सब यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करें। साथ ही साथ उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद जो यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं वो सांस्कृतिक संस्थाएँ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देगी और उसके बाद स्वास्थ्य नित्या आगाज़ करेगी भागलपुर महोत्सव का। आपको यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है आपके दर्शकों को कि स्वास्थ्य नित्या का शुभारंभ इसी मंच से हुआ है और सर्वप्रथम 2004 में जब यह आयोजन हुआ था तो वो हमारी विनर रही थी। बहुत छोटी सी नन्ही कलाकारा थी और उस समय लोगों ने इसके कला को काफ़ी सराहा था। तोरसा सरकार नेम एंड फेम भागलपुर की अंगपुत्री रही है, इसी समाज की बच्ची है और अभी वो बंगाल में रह रही थी, इंडियन आइडल फेम है, तो वो अपने पार्श्व गायिका के रूप में वो आगाज़ करेगी। प्रथम दिन का यह कार्यक्रम है। दूसरा दिन राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पधार रहे हैं अंग की भूमि में। स्थानीय कवियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वे उनका स्वागत करें और राष्ट्रीय कवि जितने भी यहाँ उपस्थित होंगे वो सभी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। दिन भर जो विभिन्न विधाओं में जो प्रतियोगिता हमारा है वो दिन भर चलते रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हर दिन एक विशेष कार्यक्रम होगा। यह व्यवस्था हम लोगों ने आयोजन समिति मिल करके किया है। हमारी पूरी टीम है और पूरे टीम के एक एक सदस्य पूरी तत्परता से तन्मयता से लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। दर्शकों के लिए किसी भी प्रकार का कार्ड, पास, प्रवेश पत्र ये सब कुछ नहीं रखा गया है। सारा प्रवेश निःशुल्क होगा और इसके लिए सारे लोगों के लिए जो यथास्थान जो पहले आएंगे वो अपना स्थान पर ग्रहण करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इसके लिए नहीं रखा गया है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि भागलपुर महोत्सव से बच्चे आगे बढ़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जैसा कि आपने बताया सर, स्वाति नित्या हो या फिर तोरसा सरकार हो, और भी कई ऐसे बच्चे हैं खासकर मॉडलिंग में भी जिसको मैं निजी तौर पर भी जानता हूं, तो उनका जो शुरुआत उनकी रही है वो भागलपुर महोत्सव, और ये बहुत खुशी की बात है सर कि एक बच्चे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रही है भागलपुर महोत्सव। लेकिन सर, इसमें सबसे बड़ी बात जो खासकर ये निजी मेरा सवाल है आपसे कि बच्चे जो आते हैं वो सीमित रह जाते हैं, बस इनका एक ये मेंटलिटी होता है कि नहीं भागलपुर महोत्सव है उसमें सिर्फ फॉर्म करना है, उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भागलपुर महोत्सव एक आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है, बाकी बात मेहनत आपको करनी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे जो जजेज हैं और ऑडिशन में या फाइनल राउंड में जो लोग बच्चे आते हैं उनको हमेशा कहाँ पर वो बच्चे चूक कर रहे हैं, कहाँ पर जो उनका परफॉर्मेंस है उसको और कैसे निखारा जाए, इसके लिए जजेज हमेशा उस बिंदु को फोकस करने का काम करते हैं। इसके लिए पिछली बार आपको स्मरण होगा कि टाउन हॉल में जब कार्यक्रम चल रहा था तो सत्येंद्र जी संगीत लोक नृत्य की जितनी आई थी प्रतिभागी और लोक कलाकार वो मुखड़ा में और पूरे गायन में कहाँ पर किस
रेंज में उस शब्दों को उठाना है, उस गाना को उठाना है, एक एक गाइडलाइंस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा गाइड लाइन देने का काम ये जज लोग करते हैं और इससे भागलपुर बच्चे को एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का अवसर मिलता है। हमारा यह प्रयास शुरू दिन से रहा है कि सालों भर हम विभिन्न सारे कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लेकिन वर्ष का अंत यह भागलपुर महोत्सव से, कल्चरल फिस्ट से हम करते हैं और इसमें सभी लोगों का, मीडिया के सभी लोगों का इसमें बहुत ही सार्थक सहयोग मिलता है। जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के व्यवसायिक हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये जन सरोकार का काम जन सहयोग से करते हैं। सर, विगत कई वर्षों से मैंने भी भागलपुर महोत्सव को देखा है, करीबी से जाना है, और जो इस बार सर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं सर, जो आप लोगों ने उनको लाने का यहाँ पर प्रयास किया है, पहले भी किया है, लेकिन इस बार एक बात सामने आ रही है कि भागलपुर में एयरपोर्ट की जो सुविधा है वो नहीं होने के वजह से जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े लोग हैं सर, वो आने से कटते हैं, तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो प्रशासन से भी या सरकार से भी एक यक्ष प्रश्न है, भागलपुर के आवाम की ओर से, भागलपुर की जनता की ओर से स्पष्ट कहना है मेरा कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले टेक्नोलॉजी जो भी रहा हो उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आज के दिन में है, वर्तमान समय में है। तो जब कलिंगा की फ्लाइट आज से 35 साल भागलपुर में अपना कमर्शियल सर्विस देती थी और यहाँ के लोग एयर टिकट कटा करके भागलपुर से पटना जाते थे, तो आज तो टेक्नोलॉजी हमारा बहुत एडवांस है, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हम क्यों नहीं, मतलब ऐसा, मतलब उसको प्राथमिकता तौर पर रखें। और सबसे बड़ी समस्या जनप्रतिनिधियों की है, इच्छा शक्ति की, जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति जिस दिन प्रबल हो जाएगी कि ये काम हमको करना है राज्य सरकार से, तो वो निश्चित रूप से भागलपुर को एयरपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट के बारे में बहुत सारे विवाद हुए हैं भागलपुर में, मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक कहना है कि छोटे जहाज वर्तमान एयरपोर्ट से यहाँ से फ्लाइट ले सकती है। हम लोग को जब आयोजन करते हैं या आपके घर में या आपके मोहल्ले में जो सामर्थ्यवान लोग हैं, अगर किसी को एयर टैक्सी की बात होती है तो फिर जहाज़ यहाँ उतरता है कि नहीं उतरता है? नेता लोग जो यहाँ आते हैं, छोटे ही जहाज़ उतरते हैं, तो 27 सीटर में हो चाहे 17 सीटर में हो, जो उपयुक्त हो, जैसा कि निदेशालय ने क्लीन चिट दिया है, और कई बार तो पटना एयरपोर्ट में भागलपुर के लिए काउंटर तक खुल गया लेकिन पता नहीं किन कारणों से फिर यहाँ फ्लाइट को रोका गया। हम इसके लिए काफ़ी आहत हैं, क्योंकि बड़ा कलाकार जैसे बात करते हैं तो उसमें यही बात आती है कि भागलपुर हम नहीं जाएंगे, आप भागलपुर महोत्सव को पटना में कीजिए। अब ये भागलपुर महोत्सव भागलपुर में होगा, ये कहाँ से संभव है कि हम इसको पटना में करें? तो एयरपोर्ट का मुद्दा बहुत जीवंत मुद्दा है, इसमें प्रशासन का, यहाँ के नेताओं का और सरकार का विशेष रूप से सहयोग चाहिए। और हमारे पिछले साल भी मंत्री जी ने कहा था कि हम इस ओर अग्रसर हैं नए एयरपोर्ट के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए, तो हम चाहते हैं कि सरकार अगर पूरा ध्यान दे तो यह काम समाधान की ओर अग्रसर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भागलपुर महोत्सव अपने आप में एक खूबी है, शहर की एक प्रतिभा निखारने का भी एक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर एयरपोर्ट की सेवा, हवाई सेवा शुरू नहीं होने के वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित होते हैं, बाधित होते हैं, उनकी जो प्रतिभा है वो निखारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी बड़े सेलिब्रिटी आएंगे तभी उनको जज कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। मेरा सर सवाल आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि भागलपुर महोत्सव में जो भी कार्यक्रम है, जो भी बच्चे आते हैं, प्रतिभागी आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ आते हैं, पूरी पारदर्शिता रहती है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में, कि इस आयोजन को लेकर के बच्चे के गार्जियन खास करके इसमें प्रतिभागी के रूप में अपने बच्चों को शामिल कराने के लिए एक एक साल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। इस महोत्सव की सबसे बड़ी खास बात जो सर हमको नज़र आ रही है कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम लोगों ने जज जो है सो स्थानीय जज की जगह पर इस बार भी आप देखेंगे कि बाहर के जजों को बुलाया है और उनको रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और उन लोगों को कुछ भी, हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं हमारे कार्यकर्ता, लेकिन जज के जजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करते हैं। उनके पास जो क्षमता है, क्योंकि वो गुण हमारे पास नहीं है, तो उनके निर्णय से कभी कदाल कोई गार्जियन होता है कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा किया, जज ने नहीं मारा। जज साहब क्या देख रहे हैं
सांस्कृतिक विषय है, इसके जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से हम निर्णय को स्वीकारते हैं और अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि जज के जजमेंट पर जो निर्णायक मंडल हैं उनके निर्णय पर आप उनको स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और भागलपुर के बच्चों से कि हर हमेशा गार्जियन ने जो यहाँ सहयोग किया है, सांस्कृतिक इतने सारे संस्थान यहाँ खुल गए हैं कि वो लोग सालों भर बच्चे को मेहनत कराते हैं, इसके लिए हम यहाँ के अभिभावकों का और यहाँ के टीचरों का, विशेष रूप से जो शिक्षक हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के, उन लोगों ने काफ़ी भूमिका जो निभाई है, सराहनीय भूमिका निभाई है और उनके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं इस आयोजन समिति के। समय सीमा को देखते हुए सर, एक छोटा सा सवाल सीधी शब्दों में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कम शब्दों में आप इसका जवाब हम चाहेंगे आपसे, कि भागलपुर महोत्सव के साथ साथ हमारे सिल्क टीवी के माध्यम से आपके, हमारे जो दर्शक हैं और खासकर भागलपुर महोत्सव के जो श्रोता हैं, शहरवासियों हैं, उनसे कुछ आपका कुछ अपील? आप सभी दर्शकों से सिल्क टीवी के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि आपका जो अब तक हमें सार्थक सहयोग मिला है, यह सहयोग आगे भी मिले और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम पूरी निष्ठा से, पूरी पारदर्शिता के साथ इस महोत्सव को आपके सामने लेकर आते हैं और आपका साथ इसी तरह मिला तो हम महोत्सव को लगातार बेहतर से बेहतर बनाने का हम सभी पूरी टीम की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रयास करेंगे। पूर्व महोत्सव में कौन से चर्चित चेहरे शामिल होंगे जो दर्शकों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे? और हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच नरेश शाह जो सांस्कृतिक सचिव हैं, और इनसे हम जानते हैं कि इस बार चर्चित चेहरे कौन कौन से शिरकत करने वाले हैं भागलपुर महोत्सव में। सर, कौन कौन से चर्चित चेहरे इस बार? कवि सम्मेलन में जी गौरी मिश्रा जी, जी नैनीताल से आ रही हैं, अशोक सुंदरानी जी जो हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं वो सतना से आ रहे हैं, अखिलेश द्विवेदी जी ये भी हास्य व्यंग के कवि हैं, ये इलाहाबाद से आ रहे हैं, सुल्तान जहां जो अच्छी गज़लकार हैं ये बरेली से हमारे बीच आ रही हैं, अशोक चारण जी जयपुर से आ रहे हैं, ये वीर रस के कवि हैं, अजय अटल जी कासगंज से आ रहे हैं, ये बहुत ही प्रख्यात गीतकार हैं। इन कवि के अलावे हमारे इस भागलपुर महोत्सव में इस बार सत्येंद्र संगीत, श्रीमती रंजना झा जी, डॉक्टर रमा दास जी, तनुश्री जी, सनातन दीप अपनी गज़ल गायकी को लेके जमशेदपुर से आ रहे हैं, और अभी अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि फरहान साबरी जी जो बॉलीवुड के अच्छे सिंगर हैं उन्होंने आने की सहमति दे दी है, और सिरसा रक्षित जी जो अच्छी पार्श्व गायिका हैं, विनर भी रह चुकी हैं टीवी रियलिटी शो में, सिरसा रक्षित जी उनकी अनुमति मिल चुकी है और वो 13 तारीख को भागलपुर महोत्सव में आने की अपनी स्वीकृति दी है। सिल्क टीवी की ओर से भी भागलपुर महोत्सव के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सहयोगकर्ता हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आयोजन सफल हो, और होगा भी, क्यों ना, इतने 14-13 वर्षों से ये सफल कार्यक्रम होता आया है। और हम भी चाहेंगे कि आज हमारा जो बातचीत है, खासकर रमन कर्ण जी से जो कि प्रधान सलाहकार हैं, इनसे हमारा बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हम आपके साथ विकास कुमार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, और कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद थे। नमस्कार।